उद्धव के सामने एकनाथ शिंदे ने शर्त रख दी है, उद्धव ठाकरे अपना रुख साफ करें। एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं मुख्यमंत्री से कि अपना रुख साफ करें, जबकि उद्धव ने शिंदे को मुंबई आकर बातचीत करने के लिए कहा है, क्योंकि वो गुजरात में रुके हुए हैं और गुजरात में माना यह जा रहा है कि दरअसल बीजेपी के प्रभाव में आकर एकनाथ शिंदे तमाम तरह की ये बातें कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर आज ही ललकार लगाई है, ये कहते हुए बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व सिखाया उसी को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे साथ मुस्तफा शेख लगातार मातोश्री के बाहर से जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, ये जो शर्त है ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उद्धव ठाकरे के लिए। सीएम की कुर्सी को लेकर ही सालों पुराना रिश्ता दोनों का टूट जाता है, बीजेपी अलग शिवसेना अलग। अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ रिश्ता रहा तो पार्टी नहीं टूटेगी, और अगर उद्धव नहीं माने तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है मुस्तफा। जी बिल्कुल, एक बहुत कशमकश वाला वक्त है उद्धव ठाकरे के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है आपको बता दें कि जब से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली है तब तक कोई बड़ा नेता शिवसेना छोड़कर नहीं गया है। ये पहली बार है, और पहली बार में ही आप कह सकते हैं कि पार्टी एक दो टुकड़ों में बढ़ चुकी है उद्धव ठाकरे के लिए, ऐसा लग रहा है। आज सुबह से ही अगर आप गतिविधियां देखें तो तकरीबन 20 से 25 एमएलए जो है वो सूरत के रिसोर्ट में हैं, और एकनाथ शिंदे का एक क्लेम है कि 30 से 35 शिवसेना के जो एमएलए हैं वो उनके साथ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी की सरकार छोड़कर बीजेपी के साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाने पर उनको मुख्यमंत्री पद तो छोड़ना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो 2.5 साल का पूरा राजनीतिक प्रवास रहा है उद्धव ठाकरे का वो पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ रहा है। बीजेपी का हिंदुत्व शिवसेना के हिंदुत्व से कैसे अलग है इस पर रहा है। तो अब ये सारी चीजों पे कैसे आप कह सकते हैं कि पूरा एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होगा, ये एक बहुत बड़ी बात होगी देखने के लिए। तो अब देखना यही होगा, माफी चाहेंगे, देखना यही होगा चित्रा कि अगर एकनाथ शिंदे की शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है, क्या वो रेजिग्नेशन देंगे, और कम से कम अब तक जो संकेत मिले हैं, अगर ये शर्त है कि आप बीजेपी के साथ जाइए, एनसीपी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, उद्धव ठाकरे के लिए शर्त को मानना यकीनन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उनके पास आगे क्या विकल्प बचता है फिर? जी बिल्कुल, एक तो यही है कि एकनाथ शिंदे की बात मान ली जाए, मुख्यमंत्री पद से रेजिग्नेशन दे और बीजेपी और शिवसेना की सरकार बने। दूसरी तरफ एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वक्त दिखाई दे रहा है वो ये है कि एकनाथ शिंदे के पास 2/3 से ज्यादा अगर शिवसेना के एमएलएज हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो उन पर लागू नहीं होगा, और एकनाथ शिंदे ना कि सिर्फ सरकार बना सकते हैं, ये एग्जिस्टिंग सरकार को माइनॉरिटी में ला सकते हैं, उसके बावजूद री इलेक्शन जैसी नौबत भी आप कह सकती हैं कि महाराष्ट्र में नहीं आएगी। 2/3 मेजोरिटी से अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के एमएलए को लेकर के जाते हैं बीजेपी की सरकार बनाने के लिए तो दिक्कतें जो है वो काफी कम नहीं होगी, लेकिन महाविकास आघाड़ी के कहीं ना कहीं ये दिक्कतें बढ़ जाएगी।